इस लेक्चर के अंदर मैं आपको खुशामदेद कहता हूं और इस लेक्चर में हम एक कंपटीशन बेस्ड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं जिसे डीप लर्निंग यानी कि यूजिंग टेंस फ्लो हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे ये बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट है और बैंक चर्न डेटा सेट के ऊपर ये पूरे का पूरा मोहित है तो हम पहले देखेंगे कि डेटा सेट क्या है किस तरीके से हमने प्रोसीड करना है एंड देन वी विल सी के इस डेटा सेट को प्रोसीड करने से पहले हमने कौन कौन स्टेप्स को अपने माइंड में रखना है एंड देन वी विल सी के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हमने सबमिशन पे कैसे फोकस करना है कुछ काम मैं आपको करके दूंगा देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइज एज एन असाइनमेंट फिर आप उसको कंप्लीट करके

लिंक इज विन है लुक ऑन द लिंक और लिंक को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस डेटा सेट में हमारे पास क्या क्या होने वाला है ठीक है तो इस डेटा सेट को जब आप ओपन करेंगे then you will have an idea कि इस डेटा सेट में कौन कौन सी चीजें जो है हम करने वाले हैं। तो इस डेटा सेट पर काम करते वक्त हमें काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ना है ये डेटा सेट जो है ये बाइनरी क्लासीफिकेशन विद बैंक चर्न अनालिसिस का डेटा है चर्न क्या होता है ये एक टर्म होती है जिसको आप यूटिलाइज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड कि आपके कस्टमर एक बैंक के अंदर रुकेंगे या नहीं रुकेंगे तो इस डेटा सेट का ओवरव्यू यहाँ पे मौजूद है दस दिन बचे हैं इस डेटा सेट को कम्प्लीटली अपलोड करने के सो so, अगर आप कंपटीशन का पार्ट बनना चाह रहे हैं तो आप इस फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं सबमिशन की फाइल को एट दी एंड और इसकी लास्ट डेट इकतीस जनवरी है या एकम फरवरी आप इसको देख सकते हैं आज हमारे पास जो दिन है वो इक्कीस जनवरी का है यानी कि आज हम स्टार्ट करेंगे एंड देन वी कैन प्रोसीड ऑन द डेटा सेट तो जो लोग इसे लेटर ऑन देख रहे हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे अपने पास देख सकते हैं बट टुडे वी आर गोइंग टू कम्प्लीट दिस थिंग ठीक है जी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अच्छा फिर इसकी जो टाइम है स्टार्ट ये इस वक्त हुआ था एंट्री डेडलाइन इसकी ये है टीम मर्जर डेडलाइन यानी कि अगर आपने टीम को मर्ज करना है फॉर एग्जांपल अगर आपने टीम बनानी है स्टेटा सेट के लिए देन यू कैन डू दैट वन एज वेल फाइनल सबमिशन डेडलाइन ये है तो हमारे पास जो ये पूरी की पूरी सीरीज़ है ये बेसिकली टेबल प्ले ग्राउंड सीरीज़ है जिसका ये एक पार्ट है वी विल सी दैट और इसके प्राइज कोई नहीं है चॉइस ऑफ कैगल मर्चेंडाइज ये है हमारे पास इसका प्राइज और ये सिर्फ पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए और अगर आप चेक करें 2024 के अंदर वाल्टर रेडे एंड सम अदर गाय दे क्रिएटेड दिस थिंग और अगर आप यहाँ पर चेक करें सो यू कैन हैव एन आइडिया कि ये इसका लिंक है अगर आप इसको साइट करना चाहते हैं कि किस कंपटिशन में आपने अपना पार्टिसिपेशन की है तो आप यहाँ से साइट करके अपनी सी वी के अंदर एड कर सकते हैं कि आई पार्टिसपेटेड इन दिस कम्पिटिशन एंड माई कोट बुक इज़ ओवर देयर तो ये हमारे पास तो टोटल इस डेटा सेट का इंट्रोडक्शन हो गया लिंक जो है मैंने आपको बता दिया आप केगल डॉट कॉम पर जाएँ डायरेक्टली और यहाँ पर कंपिटिशन पर क्लिक करेंगे और बाइनरी क्लासीफिकेशन विध बैंक चर्न डेटा सेट इस पर आप क्लिक करेंगे देन यू

टेस्ट के अंदर हमारे पास तेरह कॉलम है क्योंकि एक को हमने प्रिडिक्ट करना है सो so, वो कौन सा कॉलम है जिसे हमने प्रिडिक्ट करना है अगर मैं आपको वो कॉलम का नाम बताऊं सो इट्स एग्जिटेड कि कोई बंदा एग्जिट करेगा या नहीं करेगा बेस्ड ऑन द डेटा कि किन किन लोगों ने इस इस चीज़ को एग्जिट किया यानी कि बैंक को छोड़ा है ठीक है तो इस बेस पर हम इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाएंगे देन वी कैन सी द कोड्स ऑफ अदर पीपल हियर अगर आप यहां पर चेक करें तो हॉटनेस की बेस पे या मोस्ट वोट्स की बेस पे यहां पर एक सौ तेरह वोट्स वाला कोड जो है यहां पर आया हुआ ठीक है सो यू कैन हैव एन आइडिया और एक्स जी बूस रिग्रेसर इन्होंने यूज किया हम क्या करेंगे टेंस फ्लो या डीप लर्निंग के मॉडल को चेक करेंगे एंड देन वी विल सी के बाउंड्री क्लासिफिकेशन अच्छी काम करती है कि नहीं करती है वी कैन ऑल्सो यूज एक्स जी बूस बट अवर मेन आइडिया इज टू यूज ए न्यूरल नेटवर्क यूजिंग टेंस फ्लो लाइब्रेरी ठीक है एंड देन वी कैन सी कि अगर आपका काम होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपने किसी के साथ शेयर्ड काम किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा और अगर आपने किसी नोटबुक को बुक मार्क किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऑल जो नोटबुक है यहाँ पे जाता हूँ क्लिक करने के बाद मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ इस नोटबुक को इसको एडिट भी कर सकता हूँ इसको गूगल क्लाउड में भी खोल सकता हूँ यहाँ पर बुक मार्क भी कर सकता हूँ सो so, अगर मैं यहाँ पर मोस्ट वोट्स वाली नोटबुक को उठाऊँ बुक मार्क करूँ इट विल शो हियर ठीक है सो इस तरीके से आप अपनी मर्जी की नोटबुक्स को यहां पे बुक मार्क भी कर सकते हैं एंड अदर देन दैट आप इनको क्लिक करेंगे तो ये साइड पे ओपन भी हो जाएंगे ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट और आप इस डेटा सेट को अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं यानी कि अगर आपने ख़ुद से करना है इट्स फाइन अदरवाइज आप लोगों की नोटबुक्स को भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से डेटा सेट को एक्सप्लोर किया हुआ है ठीक है और यहाँ पे हिडन कोड भी दिया हुआ है उन्होंने और डेटा सेट को अच्छे तरीके से लिखा भी है एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस भी किया है एंड देर आर मैनी अदर लिंक्स ऑफ द डेटा विद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग विजुलाइजेशन एंड एट द एंड उन्होंने सबमिशन फाइल को बनाया हमारा काम क्या है हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है और बाइनरी क्लासिफिकेशन करके हमने इस डेटा सेट की फाइल को जो है वो सबमिट करवाना है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने इसकी फाइल को सबमिट करवाना है सो नाउ वी विल गो अहेड एंड सी के इस डेटा सेट को डाउनलोड करने के बाद हम किस तरीके से आगे मूव ऑन कर सकते हैं जस्ट गिव मी वन सेकेंड बिकॉज आई हैव टू चेंज दिस व्यू टू वर्ड्स आर वी एस कोड मैं यहाँ पे इसको वी एस कोड पर ले आता हूँ एंड नाउ यू कैन सी प्रोबेबली कि हमारा वी एस कोड कैसा नज़र आता है एंड हाउ वी कैन वर्क ऑन दिस डेटा सेट ठीक है सो ऑब्वियसली हमारा जितना भी काम हो रहा है हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर कर रहे हैं यानी कि ये जो प्रोजेक्ट का हमारा फोल्डर है इसके अंदर कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे जीरो थ्री इस फोल्डर को नाम दूंगा अंडर स्कोर बैंक चर्न केगल कंपी ठीक है ये जीरो थ्री के अंदर हम यहाँ पे ले आते हैं अब मैंने क्या करना है बैंक चर्न के डेटा के अंदर इस इस जगह पे मैंने क्या करना है मैंने प्रॉपरली डेटा जो है वो यहाँ पे ले आना है सैम्पल सबमिशन फाइल टेस्ट फाइल एंड ट्रेन फाइल यानी कि इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊँगा डेटा का और डेटा के फोल्डर के अंदर मैं तीनों फाइल्स को डाउनलोड करके यहाँ पे ले आऊँगा ठीक है डाउनलोड करने का तरीका आपको पता है मैंने केगल की कंपटीशन के ऊपर आपको बताया हुआ है अगर आपको नहीं पता तो यू हैव टू एक्सप्लोर दैट आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं डेटा को आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया कि अगर आपने डेटा को डाउनलोड करना है देन यू कैन डू सम मैं आपको शो करवा देता हूँ जस्ट गिव मी वन सेकेंड सॉरी फॉर दिस तो जनाब वाला ये आपके पास एक जो डेटा सेट है वो इस तरीके से आ जाएगा एंड आप डेटा पे क्लिक करेंगे डेटा पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी फाइल पे क्लिक करेंगे मैं सैम्पल सबमिशन पे करता हूँ यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास डेटा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा टेस्ट पे करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा टेस्ट वाला डेटा डाउनलोड हो जाएगा ट्रेन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ट्रेन वाला डेटा डाउनलोड हो जाएगा एंड दिस इज़ हाउ यू कैन डाउनलोड द डेटा सेट अब आपके पास डेटा आ चुका है डेटा आपके सामने है आपने इस डेटा के ऊपर काम कैसे करना है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं मैंने ये डेटा सेट डाउनलोड कर लिया और मैं इसको डेटा वाले फोल्डर के अंदर सेव कर चुका हूँ अब हम इस पर वन टू वन जाके काम करते हैं ठीक है स्क्रीन आपके सामने है जी मेरी नोटबुक की और मैं नोटबुक के ऊपर ही अब ज़्यादातर रहूँगा यही तीनों फाइलें जो मैंने डाउनलोड की थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं यू कैन व्यू दोज़ फाइल्स हेयर लेकिन व्यू करने से पहले जो मेन चीज़ है इस मेन चीज के ऊपर हम काम करेंगे एंड देन वी विल सी कि ये डेटा सेट हमें किस किस्म का एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करता है राइट right? सो so हमने पहले इसका ईडीए भी करना है एंड देन वी विल ट्रेन अ मॉडल ऑन दैट ओके सो मैं क्या करता हूं ये बैंक चर्न के डेटा पे मैं क्लिक करता हूं और यहां पे मैं एक फाइल बनाता हूं इसको मैं देता हूं नाम बैंक चर्न अंडरस्कोर मैट या मैं इसको कोडेनिक्स बोल देता हूं डॉट आई यहां पे मैं इस फाइल को ले आया अब इसके ऊपर हम काम करेंगे एंड देन वी विल सी कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये किस तरीके से हमें हेल्पफुल साबित हो सकता है राइट right? सो so, इस काम को करने के लिए सबसे पहला काम जो हमने करना है उसको हम देखते जस्ट अ मिनट हम यहां पे इसका कोई टाइटल चूज कर लेते मैं इसको कह देता हूं बैंक Will they stay in our bank or choose an other one? Deep learning approach. ठीक है ये मैंने एक टाइटल रख लिया ठीक है अब इस टाइटल के बाद मैं ऑथर नेम और बाकी चीजें सारी दूंगा जैसे मैंने कल भी आपको बताया था तो मैं कल वाली अपनी जो नोटबुक है उसी के अंदर से ये ऑथर नेम GitHub के टाइटल वगैरह ये सारा कुछ उठा के ले आता हूं ताकि आपको समझ रहे कि अगर आपके पास एक ही दफ़ा सारा कुछ पड़ा हुआ है यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट और वो इस तरीके से काम करेगा ठीक है ये मेरे पास सिर्फ एक टेम्पलेट है बट आई विल यूज़ सम अदर आईडीज़ हियर लेटर ऑन बिफोर दैट मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप इस पर काम कर रहे हैं इस तरह के डेटा सेट पर यू शुड नो कि आपके पास कौन कौन सा तरीका कार चल रहा है एक यहाँ पर चीज़ आप और ऐड कर दीजिएगा अगर आपके कोई टीम मेम्बर्स हैं तो देन टू एड द टीम मेम्बर्स टीम मैंबर्स ठीक है वन डॉट फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद अमार तो फैला हो गया कोई भी ये मुझे नाम देगा मैं उसमें रख दूंगा तो वी कैन हैव अ लुक ऑन दैट ठीक है सो दीज आर फ्यू नेम्स विच यू कैन ऐड सो मैं सिंपली आपको जो मेरे पास नाम आए हैं तीन चार लोगों के वो मैंने दे दिए अब हमने अगला काम क्या करना है ऑब्वियसली सभी को पता है कि सबसे पहला काम हम जब भी करते हैं हम करते हैं इम्पोर्ट लाइब्रेरीज इम्पोर्ट लाइब्रेरीज़ लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करने के लिए हमने जो जो लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करनी है उससे भी पहले यहां से कर्नल साहब सेलेक्ट करने टें फ्लो वे बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज टेंस फ्लो तो मैं यहां पे करता हूं इंपोर्ट पांडास एज पी डी इम्पोर्ट नम्पाई एज एन पी मैट प्लॉट लेन देन सी बोर्ड ये चार लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट की जस्ट टू चेक इफ एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन तो यहाँ पर मेरे पास अभी के लिए ये चारों की चारों चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं ठीक है थीके? अब आगे चलते हैं और इन चीज़ों को और भी देखते हैं बाय द वे जिन लोगों ने इस कंपटीशन पे ऑलरेडी काम कर लिया हुआ उन है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेंड मी योर नोटबुक विया डिस्कॉर्ड चैनल तो अगर आप डिस्कॉर्ड के ऊपर मुझे अपनी नोटबुक भेजेंगे देन आई विल ऐड दैट नोटबुक जैसा कि अभी मेरे पास एक नोटबुक आई है मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ और मेरे पास बल्कि दो नोटबुक्स आई हैं मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ एंड देन वी विल सी कि ये कैसे काम करती हैं ठीक है सो so, एक मेरे पास ये वाली नोटबुक है जिसमें नाम हमज़ा शकील का है और सेकंड मेरे पास जो नोटबुक है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी कि वो हसीब भाई बाइक है बिल्कुल ऐसे ही है राइट right जी <coughs> तो ये हमारे पास हो गया अब ये हमज़ा की नोटबुक है मैं यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि आपको बता सकूँ और बाइनरी क्लासीफिकेशन का हमारा टास्क है और हम जो है वो न्यूरल नेटवर्क यूज़ करेंगे एक्सचिबूस यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा टास्क जो है न्यूरल नेटवर्क तक रहेगा तो हमने सबसे पहले यहाँ पे अपना एम एम भी लिख सकते हैं जैसे हमजा ने भी लिखा हुआ है एम ऑब्वियसली मैं एट द एंड नोटबुक को अच्छा करता हूं बट बिफोर दैट वी कैन राइट एन एम एम मैं लिखता हूं वी विल क्लासीफाई द कस्टमर स्टे ऑन द बैंक यूजिंग डीप लर्निंग अप्रोच ठीक है ये हमारा एम है मैंने हाईलाइट करके लिख दिया एम ताकि हमें पता रहे हैं हमने कैसे चलना है अब ये हमजा की नोटबुक है ऑब्वियसली डेटा की डिस्क्रिप्शन जो है आप यहाँ से भी उठा सकते हैं एंड दिस डेटा एक्चुअली इज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑनलाइन अप्रोच जहाँ पर यह आपने डेटा डाउनलोड किया है तो यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं आ गई कि आपके पास जो डेटा सेट यहाँ पर आया वो आपने खुद से देखना है ये पहले से अप्रोच किया गया कस्टमर आई डी सर नेम क्रेडिट स्कोर जियोग्राफी जेंडर एट्सेट्रा एक्सेट्रा एट एक्सेट्रा एट एट अब हम इस डेटा सेट को पहले डाउनलोड करेंगे हमारे पास तीन डेटा सेट हैं इसके ट्रेन टेस्ट एंड सैंपल सबमिशन ठीक है हम पहले ट्रेन के ऊपर बात करेंगे और ट्रेन के डेटा सेट को डाउनलोड करते हैं मैं यहाँ पे लोड द डेटा सेट्स पे बात करता हूँ और यहाँ पे डी एफ ट्रेन वाला डेटा जो होगा वो हमारा है ट्रेन सी एस वी और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल डेटा स्लैश तो ये मेरे पास ट्रेन सी एस वी आ गया ठीक है अब ये डेटा सेट मैं पाथ के थ्रू रीड आउट कर रहा हूँ सेकेंड हमारे पास टेस्ट आ जाएगा डी एफ अंडर टेस्ट मैं साथ ही एक ही दफ़ा इसको इस वजह से लोड कर रहा हूँ ताकि हमारे पास एट दी एंड इसको लोड दोबारा से ना करना पड़े तो सबमिशन फाइल को हम सैम्पल सबमिशन के तौर पे जैसे जैसे हमारे पास दिया हुआ है तीनों फाइलों को हम रीड कर लेते हैं तो ये मैंने तीनों फ़ाइलों को रीड कर लिया अब हम सिर्फ ट्रेन डेटा सेट को देखेंगे सो ट्रेन डेटा सेट एंड एक्सप्लोरेशन मैं जब स्टार्ट करता हूँ किसी भी चीज़ को तो बिल्कुल रॉ से स्टार्ट करता हूँ एंड देन ऐट दी फाइनलाइज द नोटबुक यहाँ पे इसको करते हैं जी डी एफ सबसे पहले तो इसका हेड वाली कमांड लगा के यहाँ पे देख लेते हैं कि डेटा सेट कैसा नज़र आता है और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास आईडी कस्टमर आईडी सरनेम क्रेडिट स्कोर जियोग्राफी जेंडर एज टन बैलेंस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैज़ सीआर कार्ड या क्रेडिट कार्ड फिर इज एक्टिव मेंबर मतलब एक्टिवली इस बैंक को यूज़ भी कर रहा है कि नहीं कर रहा देन हमारे पास आता है जनाब एट दी एंड क्या है एस्टिमेटेड सैलरी एंड देन एग्जिटेड अगर इसी चीज़ को मैं डॉट टी करूँ इट विल शो यू द कॉलम्स लाइक दिस ठीक है ये हमारी रॉज थी जो अब कॉलम्स बन गए हैं यहाँ पे हमारे कॉलम्स आ गए आईडी ये मैंने ट्रांसपोज किया है कस्टमर आईडी पहला है ये हमारे लिए नंबर है कस्टमर का जो उसका यूनिक आईडी है ये उसका सरनेम है किसी भी कस्टमर का ये क्रेडिट स्कोर आ जाएंगे फिर ये जियोग्राफी यानी कि वो कस्टमर किस किस कंट्री में बिलोंग करते हैं देन जेंडर आ जाएगा हमारे पास देन हमारे पास एज है देन टनोर है फिर हमारे पास बैलेंस आ गया कि उनका बैलेंस कितना है उनके पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितनी है यानी कि वो एक प्रोडक्ट को ले रहे हैं इस इस बैंक में से दो को ले रहे हैं तीन को ले रहे हैं या कितनी प्रोडक्ट्स को वो यूज़ कर रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद उनके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो उनके चांसेस कितने हैं अगर वो एक्टिव मेंबर हैं बैंक के तो उनके कितने चांसेस और उनकी एस्टिमेटेड सैलरी कितनी है पर मंथ या पर ईयर के बेस पे वी विल सी दैट फिर हमारे पास आ जाता है एग्जीट एग्जिटेड जीरो या वन अब यही चीज़ें यहाँ पे डेटा में दी गई हैं वैदर द कस्टमर हैज चर्न टारगेट वेरिएबल है एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ द कस्टमर है एंड देन देर आर मैनी अदर थिंग्स ठीक है things, अब वन का मतलब होता है येस yes, जीरो का मतलब होता है नो no. एग्जिटेड का मतलब है अगर वन की वैल्यू होगी तो यस yes है जीरो का मतलब है कि वो एग्जिट नहीं किए ठीक है थीके? अब हम देखते हैं कि ये डेटा सेट किस तरीके से हमारे पास सेंस बनाता है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ df.info की कमांड लगाता हूँ यहाँ पे डी एफ अंडर्स को ट्रेन को हमने ले के चलना है ठीक है डी एफ अंडर्स को ट्रेन और इन्फो की कमांड लगा के ये हमने देख लिया क्योंकि ट्रेनिंग का डेटा देख रहे हैं हम इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं बार बार मुझे डी एफ लिखने की आदत है तो मैं डी एफ इज इक्वल टू डी एफ अंडरस को ट्रेन और इसकी कॉपी कर लेता हूँ नाउ वेन एवर आई राइट ट्रेन तो मेरे पास ट्रेन कुछ इस तरीके से लिखा आएगा डी uh, एफ लिखा आएगा ठीक है सो नाउ यू कैन सी बाय लुकिंग इन टू द डेटा सोलह एक टोटल हमारे पास एंट्रीज हैं और हमारे पास कॉलम है चौदह ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू थर्टीन तो इसका मतलब है नल वैल्यूज कोई नहीं है सो देर इज़ नो नल वैल्यू और ना ही आपको देखने की ज़रूरत है बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट कि नल वैल्यू कोई है कि नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं फाइंड एंड प्लॉट नल वैल्यूज़ तो उसके लिए कमांड क्या है इस तरीके से आप देख लें आपके पास कोई नल वैल्यू नहीं है ठीक है ये तो हमने फाइंड कर ली इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं ये मैं हेड फाइव कर लेता हूँ राइट right. कोई नल वैल्यू नहीं है और अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें यू कैन प्लॉट द नल वैल्यूज एज वेल इट्स टोटली अप टू यू लेकिन है ही नहीं है तो प्लॉट क्या करनी तो नल वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है इसकी ठीक है फिर आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं सो जियोग्राफी जेंडर दो दो ऑब्जेक्ट हो गए एंड सर नेम सर नेम जियोग्राफी एंड जेंडर हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं और हमारे पास नूमेरिक वेरिएबल्स बाकी सारे के सारे नुमेरिक वेरिएबल हैं अगर हम गौर करें और अगर यहाँ पे गौर करें एग्जिटेड यानी कि जो टारगेट वेरिएबल है वो भी हमारे पास बेसिकली जीरो और वन यानी कि बाइनरी ऑब्जेक्ट है लेकिन वो इंटीजर की फॉर्म है इस वजह से वो हमें नहीं बता रहा नंबर ऑफ इंटीजर्स भी हमारे पास एक किस्म का कैटेगोरिकल वेरिएबल है बट इन ऑर्डर है तो ये भी हमारे पास एक कैटेगोरिकल की बेस पर आएगा फिर हमारे पास आ जाती है जनाब जेंडर जो ऑब्वियसली हमारे पास मेल फीमेल है सो वी विल सी दैट सो बेसिकली हमारे पास जियोग्राफी जेंडर एंड जो सर नेम है ये हमारे पास शोन कैटेगोरीकल वेरिएबल है बट ऑन दी अदर साइड अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक आप कमांड अगर लगाएं यू कैन हैव एन आइडिया कि आपके पास डेटा कैसा नज़र आ रहा है डी एफ डॉट डिस्क्राइब में लिखता हूँ तो इससे हमें क्या पता चलेगा जो ट्रू हमारे पास कॉलम ऐसे हैं जो ट्रू इंटीजर हैं उनका काउंट मीन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइविएशन मिनिमम एंड मैक्सिमम ये हमें चार चीजें बताएंगे मिनिमम मैक्सिमम 50 परसेंट ट्वेंटी परसेंट एंड 75 फाइव परसेंट कोर्टाइल्स बताएंगे कि वो वैल्यू कैसी नजर आती हैं से फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का जीरो मिनिमम है और वन मैक्सिमम है तो इसका मतलब है ये हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है अगर किसी का वन मिनिमम है और फोर मैक्सिमम है ये भी हमारे पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है एंड बेस्ड ऑन दैट हमारे पास अगर और की बात की जाए तो यह भी एक किस्म का कैटेगोरिकल वेरिएबल है इन फैक्टर सीचे? तो इन चीजों को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे मैं यहां पे आपको यूनिक इनकी दिखाता हूं या वैल्यू काउंट देखते हैं सो so, मैं यहां पे क्या करता हूं जिन पे मुझे शक है उनकी लिस्ट बनाता हूं तो मैं यहां पे लिखता हूं कैट अंडर स्कोर कॉलम्स सो पहली चीज तो ये कि हम क्या करेंगे df डॉट सेलेक्ट बल्कि डीएफ के अंदर जस्ट minute कैट कॉलम और यहां पे हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसके अंदर मैं डी एफ डॉट कॉलम से कॉलम्स उठाता हूं जिन पे मुझे शक है कि ये कैटेगोरी को लो सकते हैं सबसे पहले तो मेरे पास है जनाब टनेर ठीक है सेकंड हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थर्ड हमारे पास है हैज क्रेडिट कार्ड और ये ये तीन है ठीक है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैज क्रेडिट कार्ड तो मैं यहां पे इनकी लिस्ट लिखता हूं पहले ताकि आपको मैं समझा सकूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो सबसे पहली बात है जनाब हमारे पास है जनाब टनेर हैज क्रेडिट कार्ड इज एक्टिव मेंबर तक एंड देन एग्जिटेड मैं इन सभी को कॉपी करता हूं फिर उसमें से डिलीट कर दूंगा मैं यहां से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी ठीक है बैलेंस को रिमूव करता हूँ क्योंकि ये ऑब्वियसली एक नोमैरिक वेरिएबल है एस्टिमेटेड सैलरी भी नोमेरिक है एंड एग्जिटेड हमारे पास डिफरेंट है अब मैंने कैट कॉलम्स निकाल लिए ठीक है, है अब मैं यहां पे करूंगा फाइंड द वैल्यू काउंट्स ऑफ द कैटेगोरिकल कॉलम्स ठीक है सो so हम यहां पे इसे प्रिंट करते हैं यहां पे अगर आप गौर करें जीरो से लेके दस तक वैल्यू हैं जनाब आपके टेन्योर की ठीक है सो so बेसिकली ये एक इंटीजर है जो एक कैटेगरी की बेस पे आता है यानी कि दस टन ये साल हैं तो आप इसको नोमरिक वेरिएबल भी कंसीडर कर सकते हैं कैटेगोरिकल भी इट्स टोटली अप टू यू ऐसे लोग जो दस सालों से हैं वो बहुत कम हैं जो छः सालों से हैं वो और भी कम हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ बट इट डिपेंड्स के टनिवर का जो है आपके पास इसका यूनिट क्या है तो ये आपने देखना होगा आपके डेटा सेट में द नंबर ऑफ यस तो ये सालों में ही है ठीक है सो वी विल सी कि ये सालों में फिर हमारे पास हैज़ क्रेडिट कार्ड दो वैल्यू हैं ये भी कैटेगोरिकल है फिर हमारे पास आगे आ जाते हैं फर्दर और तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको स्क्रोलेबल एलिमेंट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जितने भी कॉलम है सभी की वैल्यू आए तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जीरो वन टू थ्री फोर ये भी कैटेगोिकल है हैज़ क्रेडिट कार्ड भी कैटेगोरिकल है इज़ एक्टिव मेंबर भी कैटेगोरिकल है एग्जिटेड भी कैटेगोरील है सो आई नो कि ये इनकोडेड कैटेगरीज़ हैं हमारे पास सो नाउ वी हैव कन्फर्म्ड कि ये हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल बट इट डजेंट मेक एनी प्रॉब्लम क्यों क्योंकि हम इन्हें ये देखना है कि ये इनके हम डिफरेंट uh, किस्म की चीज़ें चेक ना करने बैठ जाएं जैसे हम कहते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है केडीई प्लॉट कैसा बनेगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि नहीं है इस वजह से ये सब कुछ चेक कर रहे हैं ऑन दी अदर साइड अब कैट कॉलम्स हमने सेपरेट कर ली हैं अब हम क्या कहते हैं नम कॉलम्स को सेपरेट करते हैं सो नम अंडर कॉल्स और जो हमारे पास नम कॉलम्स हैं मैं उनको यहाँ पर लिखता हूँ मैं यहाँ पर सभी के सभी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ पहले ये मैंने पेस्ट किया अब आई डी कस्टमर आई डी एंड ये जो है ये हमारे पास से निकल जाएगा ठीक है क्रेडिट स्कोर है हमारे पास जियोग्राफी भी हमारे पास कैटेगोरिकल इसको भी निकाल देते हैं हमारे पास पीछे बचता है एज जो एक नोमेरिक है टेन्योर ठीक टेन्योर हमारे पास टेन वैल्यू के अंदर आता तो इसे भी निकाल देते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैज क्रेडिट कार्ड एंड इज एक्टिव मेंबर इन्हें भी निकाल देते हैं एंड एग्जीक्यूट को भी निकाल देते हैं सो एट दी एंड हमारे पास ये चार कॉलम बचते हैं जो प्योर नोमेरिक हैं एक दो सॉरी नॉट दिस वन ये क्रेडिट स्कोर एज सेकेंड बैलेंस थर्ड एंड एस्टिमेटेड सैलरी फोर तो ये हमारे आगे जनाब नम कॉलम्स ठीक है सो so, मैं इनको रन करता हूं नाउ वी वट वी आर गोइंग टू डू वी आर एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट जो हमारा हिस्टोग्राम है ऑफ नम कॉलम्स तो मैं यहां पे लिखता हूँ िएट हिस्टो ग्रैप ऑफ नम नोमरिकल कॉलम्स यूजिंग एस एन एस एंड के डी इज इक्वल टू ट्रू ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमारे पास जो प्लॉट बनने हैं वो कैसे बनने हैं तो मैं विस्ली पहले तो वार्निंग्स ऑफ कर लू अपने पास क्योंकि अक्सर औकात आपके पास वार्निंग्स एम्बी फजूल में आती रहती हैं तो मैं यहाँ पे सभी को रन करता हूँ और दूसरी बात वार्निंग से आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी नहीं जाती कि आपने सिस्टम की किस तरीके से आपने मैनेज किया हुआ है तो बेसिकली ये मैंने यहाँ पे चारों के <coughs> चारों कॉलम्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया आप देख सकते हैं कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास आ गई तो ये हमारे पास क्रेडिट स्कोर है विच वी कैन हैव एन आइडिया कि 600 से 700 के दरमियान दरमियान इनका क्रेडिट स्कोर है एंड दिस इज़ अबाउट डेंसिटी जो मेन चीज़ हमारे पास आई है वो ये है कि यहाँ पर जो बैलेंस है अक्सर लोगों का ज़ीरो है लेकिन ये ज़ीरो जो है ऑब्वियसली काफ़ी लोगों का हमारे पास जीरो होता है उसकी उससे रिलेटेड ये होगा कि वो एक्टिव मेंबर भी नहीं है सो so, ज़ीरो तो है ही जीरो के अलावा भी हमारे पास बैलेंस है विच रेंज इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ठीक है सो so, हमने ज़ीरो के अलावा इसकी रेंज देखनी है दैन वी हैव एस्टिमेटेड सैलरी विच इज़ टोटली डिफरेंट बेस्ड ऑन द डेटा कि कितनी एस्टिमेटेड सैलरी किसी की जीरो है बिकॉज दे डोंट एक्चुअली हैव दैट सैलरी और ये हमारे पास साइड पर डेंसिटी आ गई है सो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्चुअली हैव एन आइडिया कि हमारे पास जो प्लाट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँ इस पूरे कोड को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पर दबाता हूँ कंट्रोल आई यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑल्सो एड मेन एंड मीडियन लाइंस इन ईच प्लॉट इससे क्या होगा गिटअप को पायलट इस पर काम करेगा और हमें मेन एंड मीडियम लाइंस दे देगा फॉर ईच प्लॉट्स एज वेल देखें मैं खुद से नहीं इसको लिख रहा आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट जिससे मुझे मेन और मीडियम की लाइन मिल जाए और आप देख सकते हैं कि ये मेन सेंटर में है मीडियम भी सेंटर में है तो मेरे पास मेन मीडियम की लाइन सेंटर में आ गई और हम ये अंदाज़ा भी लगा सकते थे किस तरीके से आ रही है रेड हमारे पास एवरेज है मीडियन हमारे पास ज़ीरो क्यों आ गया क्योंकि आपको पता है कि मल्टीपल रिपीटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ़ एनी वैल्यू वो मीडियन होता है तो आप देखें कि इस एक डेटा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मीन और मीडियन में सो यू कैन नॉट एक्चुअली यूज़ मीडियन इन दिस केस क्यों क्योंकि ये जीरो है और यहाँ पे आप मीन जो है वो यहाँ पे आ रहा है एंड ऑल्सो हेयर यू कैन सी कि आपके पास एस्टिमेटेड सैलरी एंड डेंसिटी यहाँ पे इस इस जगह पे आ रही है सो अदर साइड पे अगर हम बात करें और यहां पे अगर हम गौर करें सो यू कैन एक्चुअली हैव एन आइडिया कि हमारे पास जब हम डेटा पे बात कर रहे होते हैं तो किस लेवल पे हम बात कर रहे हैं राइट right? यहां पे आपको समझ आ गई जितनी भी हम बातें कर रहे हैं सो ईडिया एनालिसिस हमने तकरीबन कर लिया हमारे पास न्यूमेरिक डेटा का भी डेटा आ गया हमारे पास कैटेगोरिकल का भी आ गया एंड नाउ वी कैन हैव एन आइडिया कि हमारे पास ये जो चीज़ है किस तरीके से चल रही है अगर आप प्लॉट ही बनाना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट प्लॉट्स फॉर कैटेगोरिकल डेटा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट काउंट प्लॉट ऑफ कैटेगोरिकल कॉलम्स ठीक है और हम अगर काउंट प्लॉट बनाए सो यू कैन हैव एन आइडिया के काउंट प्लॉट इस तरीके से आपके पास बन जाएंगे विच एक्चुअली इज नॉट ट्रू ये सही नहीं बने काउंट प्लॉट ऑफ कैटेगोरिकल फॉर ईच यूनिक वैल्यू एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट डी एफ डॉट कॉलम create create value count plot for categorical columns ये सेम वही आ रहा है इट्स टोटली डिफरेंट सो बेसिकली हमारा जो टास्क है फोर लूप को यूज करके ये जितनी भी कैटेगरीज हैं इनको एक प्लॉट में कन्वर्ट करना से फॉर एग्जांपल हम टनियोर के टनियोर uh, का एक प्लॉट बनाते हैं तो मैं टनियोर का काउंट प्लॉट बनाता हूँ क्रिएट अउंट प्लॉट फोर टन कॉलम तो उसके लिए एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट ये काउंट प्लॉट आ गया टन का विच इज नॉट गुड वन आई वुड से डी एफ कॉमा इक्वल टू टोर नाउ इट्स फाइन ठीक है जो हमारे पास गलती थी दैट वॉज दिस वन तो मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर ईच कैट कॉलम यहाँ पे हम करेंगे डी एफ कॉमा एक्स इज इक्वल टू डी एफ कॉल अब हम क्या करने वाले हैं जो ऊपर हमने कैटेगोरिकल कॉलम की ये वाली लिस्ट बनाई थी वी कैन ऑल्सो एड अदर कॉलम्स जो हमारे पास है जियोग्राफी एंड जेंडर ये हमने पहले ऐड नहीं किया था बिकॉज दीज टू डेटा सेट्स आर जियोग्राफी एंड जेंडर ये दोनों लिखे हुए हैं हम सर नेम भी कर सकते हैं बट इट विल मेक अ मैस तो मैं जियोग्राफी एंड जेंडर इन दोनों को ऐड कर देता हूँ कॉपी करके यहाँ पे ऐड करते हैं जियोग्राफी एंड जेंडर को ताकि हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इस तरीके से आ जाएं एंड नाउ वी कैन क्रिएट प्लॉट्स मैं सभी को दोबारा से री रन करता हूँ लें जनाब तो हमारे पास जो प्लॉट्स आ गए हैं वो कुछ इस तरीके से आ गए हैं मैं बड़े रॉ किस्म के बुला रहा हूँ आप सब प्लॉट्स भी बना सकते हैं इट्स टोटली अप टू यू मैं रॉ बना रहा हूँ इस वजह से ये इस तरीके से आ रहे हैं ठीक है सो अगर हम देखें यहाँ पे हर किसी का काउंट प्लॉट आ गया है जियोग्राफी में जर्मनी स्पेन और फ्रांस है तो आपको वैल्यू काउंट प्लॉट बनाने की ज़रूरत नहीं आप इस तरीके से काउंट प्लॉट बना लें सिंपली और जर्मनी स्पेन और फ्रांस फ्रांस के सबसे ज़्यादा लोग हैं स्पेन एंड जर्मनी के कम लोग हैं ठीक है एंड देन आपके पास अगला आता है कि फ़ीमेल के अकाउंट कितने मेल के कितने मेल के ज्यादा हैं फीमेल के कम हैं फिर आपके पास आता है टनोर का दस साल और जीरो साल वाले कम है बाकी तकरीबन बराबर बराबर हैं एंड देन यू कैन सी के नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स ज़्यादातर लोगों की एक प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा लोगों की दो हैं तीन और चार वाले बहुत कम हैं ठीक है देन आपके पास जिनके क्रेडिट कार्ड हैं वो तकरीबन इतने लोग हैं ज़्यादा लोग हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो कम लोग हैं देन आपके पास आता है कोई एक्टिव मेबर है या नहीं है ये दोनों बराबर बराबर ही हैं ठीक है अस्सी के करीब ही हैं देन आपके पास कौन से लोग छोड़ के गए हैं ये वाले छोड़ गए हैं ये वाले नहीं छोड़ के गए सो नाउ वी कैन एक्चुअली हैव एन आइडिया कि ये वन में कैटेगरी किन की जाएगी कौन से लोग छोड़ के जाएंगे और जीरो में कितने हैं हमारे पास टोटल डेटा सेट कितना है अब उस पर बात करते हैं फिर हम इसको मशीन लर्निंग में लेके जाते हैं डी एफ डॉट शेप करके मैं डेटा सेट का अंदाजा लगा लेता हूं एंड हेयर यू कैन हैव एन आइडिया मैं यहां पर बल्कि ऐसे लिखता हूं प्रिंट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स तो आप डीएफ शेप अगर करेंगे इस तरीके से भी हो जाएगा बट आई वुड राइट विन एफ स्ट्रिंग तो मैं यहां पे कहता हूं द नंबर द ट्रेन डेटा सेट हैजन सिक्सटी फाइव थाउजेंड थर्टी फोर रोज एंड फोर्टीन कॉलम्स तो फोर्टीन कॉलम्स हैं और एक सौ पैंसठ हजार समथिंग रोज हैं ठीक है यहां पे आप देख सकते हैं अब एक सौ पैंसठ हजार पे अगर हमने काम करना है फॉर ट्रेनिंग अ मॉडल वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट थिंग्स ठीक है सो so, अब मैं क्या करूंगा बेसिकली चीजों को और भी डिटेल में लेके जाने वाला वालों तो पहले हम क्या करते हैं स्प्लिट द डेटा इन टू एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई के अंदर डेटा को स्प्लिट करते हैं और इस तरीके से एक्स एंड वाई के अंदर स्प्लिट हो गया नाउ इन कोड द कैटेगोरिकल कॉलम्स हैविंग ऑब है ऑब्जेक्ट डेटा ऑब्जेक्ट और कैटेगरी डेटा पार्टी कैटेगरी हाई किसी के नहीं ऑब्जेक्ट किया तो हम इसी को रखते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके अंदर मैं लिख भी देता हूँ यूजिंग लेबल इन तो यहाँ पे लेबल इन आ गया इसको यूज करके हम डेटा सेट को फोर लूप के थ्रू ही कर लेंगे सारे के सारे कैटेगोरिकल कॉलम को और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एक्स कॉलम जितने भी हैं हमारे तो हम इसके बाद अपने एक्स डॉट हेड करके देख भी सकते हैं कि डेटा कैसा नजर आता है लेट मी सी यहाँ पे क्या इशू है एग्जिटेड ट्रंकेटेड एटेड इनवेलिड अदरवाइज थ्रू रे रेस सो ये है जनाब आई <coughs> सी देर इज़ समथ रोंग पहले हम देखते हैं कि क्या रोंग है मैं यहाँ पे डी एफ डॉट कॉलम्स लिखता हूँ ये हमारे पास सारे के सारे कॉलम्स हैं तो हम डी एफ के अंदर से जब एग्जिट एग्जिटिड को ड्रॉप करते हैं तो हमारा एक्स आ जाता है और डी एफ के अंदर जब हम एग्जिटिड को लेते हैं तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाती है आई विल जस्ट गो वन बाई वन ताकि हमें पता चले ये हमारे पास एक्स वाई आ गया ठीक है मैं इसको री रन करता हूँ सभी को ताकि मेरे पास सारी की सारी चीज़ें साइड बाई साइड चलती जाए अब हम यहाँ पे पेश करते हैं जी अपना जो काम है एक्स के कॉलम्स को हमने ट्रांसफार्म जो करना है कैटेगोरिकल को स्टिल हैविंग दैट एरर लेट मी सी ये क्यों आ रही है invalid index or otherwise oh, okay तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डी एफ के अंदर जियोग्राफी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं एंड डी एफ के अंदर जेंडर को एल ई डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डी एफ के अंदर जेंडर एच सी और मैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इनकोडिंग यहीं पे कर लेते हैं फ्रॉम एस के लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग और ये आ गया इनसे सभी को ऊपर वाले को मैं रन करता हूँ बल्कि सिर्फ ऊपर वाले को रन करते हैं रन करने के बाद हमने इनकोडिंग कर ली नाउ वी कैन चेक डी एफ डॉट हेड के साथ इनकोडिंग हो गई है यस yes, हो चुकी है इनकोडिंग सर नेम की हमने इनकोडिंग करनी नहीं है और हम सर नेम को भी यहाँ से एग्जिट कर देंगे यहाँ पे एग्ज़िटेड के साथ ही कॉमा लगा के मैं कस्टमर आईडी, आईडी कस्टमर आईडी एंड सर नेम इन तीनों को भी एग्ज़िट कर देने वाला हूँ यहाँ से सो so, मैं यहाँ पे करता हूँ जनाब आई डी कॉमा आई मा सर नेम इन तीनों को यहाँ से मैंने निकाल दिया बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस फॉर मी कि हम इन तीनों को मशीन लर्निंग ट्रेनिंग के अंदर ऐड करें और इन इनका एज ए फीचर कोई इम्पैक्ट होगा सो so इस वजह से मैं इन्हें निकाल रहा हूँ यू मे हैव सम अदर इनपुट्स इन योर माइंड तो आप उस तरीके से उन्हें यूज कर सकते हैं मैंने इन्हें निकाला है एंड बेस्ड ऑन देट यहाँ पे हमारे पास अब क्या इशू आ गया कस्टमर कस्टमर के स्पेलिंग गलत है कस्टमर नाउ इट्स फाइन सो इनकोडिंग भी हो गई है यहाँ पे ठीक है और डेटा हमारे पास आ चुका है अगर मैं एक्स डॉट हेड करूं होप फुली नाउ इट विल वर्क यस तो हमारे पास डेटा सेट कुछ इस तरीके से आ गया ये हमारा एक्स है और अगर मैं वाई को यहाँ पे आपके दिखाऊँ तो वाई डॉट हेड तो नहीं होगा बिकॉज इट वन डायमेंशन बट वी कैन हैव ज़ीरो एंड वन थिंग्स और यहाँ पे अगर हम वाई डॉट वैल्यू काउंट्स को देखें तो इट शोज़ अस के ज़ीरो हमारे पास जो वैल्यू है जिन्होंने नहीं छोड़ा वो एक लाख तीस हजार एक सौ तेरह लोग हैं जिन्होंने बैंक छोड़ा वो है चौंतीस हज़ार नौ सौ इक्कीस तो इम्बैलेंस तो है हमारे पास क्लास बट इट इज़ बट इट इज़ सो नाउ वी वट वी हैव टू डू वी कैन यूज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और क्रॉस वैलिडेशन एज वेल लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पहले करूँगा सो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट द डेटा उसके लिए एस के लर्न इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आप कर लें एंड देन आप इस तरीके से अपना जो डेटा है एक्स वाई उसको रख के ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर सकते हैं एंड देन आप अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हैं सो मैंने यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया जस्ट टू शो यू कि डेटा हमारे पास स्प्लिट हो गया बट ऑन दी अदर साइड हम यहाँ पे अब क्या करेंगे क्रिएट अ डीप न्यूरल नेटवर्क यूजिंग टेंसर फ्लो फॉर बाइनरी क्लासीफिकेशन ठीक है हम वो ट्रेन करेंगे तो इम्पोर्ट टी एफ हो गया सिक्वेंशल आ गया डेंस ड्रॉप आउट वगैरह आ गए हमारे पास सो तो मॉडल हमने बना लिया अब ये हमारे पास मॉडल के अंदर हम इनपुट लेयर वगैरह ऐड करेंगे फिर हमारी हिडन लेयर्स आएंगे फिर हमारे पास बाकी चीज़ें होंगी सो so, इसको या तो आप मॉडल को इस तरीके से भी बना सकते हैं कि पहले सिर्फ और सिर्फ मॉडल बना लें और उसके अंदर एडिशन का कमांड यूज करें या आप ये कर सकते हैं कि इनपुट लेयर इस तरीके से रखें कि आप ये आपके आगे जनाब इनपुट लेयर फिर आप मॉडल के अंदर इनपुट लेयर ऐड कर दें फिर आप हिडन लेयर बनाएं और उसको ऐड कर दें फिर आप आगे आगे जाते जाएं दिस इज़ वन ऑफ द वेस कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं सेकेंड तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ पे ही इनपुट लेयर ऐड करें और अपने न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह की चीज़ों को यहीं पे ऐड करते जाएं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक्टिवेशन फंक्शन रेलू से स्टार्ट किया फिर एक्टिवेशन फंक्शन आ गया और क्योंकि आपके पास डायमेंशन 10 है आपकी जो डेटा की फीचर्स की वैल्यू है वो 10 है एक्स के अंदर सो यू कैन गो विद टेन और फिर आप उसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शन ऐड करते नए ये हिडन लेयर्स आ गई फिर आपके पास सिगमोइड फंक्शन एट दी एंड आ गया ड्रॉप आउट अगर आप यूज़ करना चाहिए यू कैन यूज़ दैट अगर आपने निकालना है तो उसे निकाल दें सो फ्राम हेयर आई एम गोइंग टू यू टू एक्चुअली रिमूव दिस ड्रॉप आउट थेंगी बिकॉज इसको हम बाद में देखेंगे पहले हम अपना जो काम है उसको कर लें सो so आप चेक करें अगर हमारे पास हमने जो कल बनाया था अपना न्यूरल नेटवर्क उसकी पहले बात कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या किया था हमने बेसिकली यहाँ पे एट दी एंड अगर मैं ले जाऊँ आपको सो so हमने यहाँ पे इस तरीके से अपना मॉडल जो है उसे बिल्ड किया था तो मैं यहाँ पे आपको यही वाला मॉडल जो है ये पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ एंड यू कैन ऑल्सो दिस यूज़ दिस वन और यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ मॉडल ठीक है सो मॉडल इज़ इक्वल टू आप टी एफ के अंदर सिक्वेंशल लेयर बनाएं एंड देन यू कैन यूज़ इनपुट और एक्स ट्रेन की शेप यहाँ पे आ गई फिर हिडन वन टू थ्री और ये आपके पास फोर हिडन लेयर्स आ गई फिर आपके पास आउटपुट लेयर है सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द मॉडल एज वेल जो हमने कल भी यूज़ किया था कॉम्प्लेक्स बना के जिससे हमारी एक्यूरेसी कम हो गई थी एंड देन व्हाट यू कैन डू मैं सेम वही चीज़ें उठा के जो हमने कल काम किया था और ये कोड आपको अवेलेबल भी हो जाएगा बाय द वे इन सभी को उठाता हूँ और मैं यहाँ पे मॉडल के बाद इसी जगह पे इसे पेस्ट करता हूँ <coughs> तो अब हमने क्या किया ये अर्ली स्टॉपिंग वाले को मैं उठाता हूँ और इसको ले जाता हूं यहां पे अब हमने क्या करना है एज यू नो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि पहले आप एक मॉडल को बिल्ड करते हैं मॉडल बिल्ड होने के बाद आप अर्ली स्टॉप भी कर सकते हैं मॉडल को अपने ई पॉक्स की बेस पे तो मैं अर्ली स्टॉपिंग डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ ठीक है मॉडल को कंपाइल करना है एडम और बाइनरी क्रॉस इंड बिकॉज वी आर यूजिंग दिस बाइनरी क्लासीफिकेशन एक हमारा मेन मैट्रिक्स होगा ठीक है फिर हम हिस्ट्री के अंदर मॉडल डॉट फिट करेंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के डेटा पे और ई को हम यूज़ करेंगे हंड्रेड ई को विच इज़ टोटली अ बिग नंबर क्यों क्योंकि हमारे पास जो ई का लेवल है इस वक्त वो हंड्रेड होगा और एक सौ पैंसठ हज़ार रोज हैं जस्ट इमेजन के हंड्रेड ई कितनी ज़्यादा देर में चलेंगे इस वजह से मैं इसको रिड्यूस करके पाँच कर रहा हूँ ठीक है और सेकेंडली हमारे पास बैट साइज थर्टी है वर्बोस वन है वैलिडिटी डेटा के अंदर या वैलिडेशन डेटा में एक्सट्रेस टेस्ट है और अर्ली स्टॉपिंग यहाँ पर हमने दे दिया एट द एंड हमारे पास ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस एंड एक्यूरेसी के दो प्लॉट्स आ जाएंगे तो मैं इसको सेव करता हूँ सेव करने का मकसद यह है बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम इस वजह से मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेव करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि आप क्या होने वाला है ये हमारा पूरा न्यूरल नेटवर्क है तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर तो यह हमारे पास पूरा न्यूरल नेटवर्क है एंड इट विल ट्रेन द मॉडल एंड एट द एंड इट विल टेस्ट द मॉडल और वेलीट भी करेगा उसको सो so, मैं इसको रन करता हूँ पाँच ई पॉक्स पे लेट्स सी हमारे पास क्या होता है एवरी थिंग इज रनिंग एंड इट विल टेक अलॉट ऑफ टाइम बाई द वे ये मैं पहले आपको बता देता हूँ रीज़न क्या है ये चेक करेगा कि आपका ई पॉक कितनी स्पीड से चल रहा है एंड नाउ यू कैन सी कि ये ई पॉक चल रहा है अगर मैं सो चलाऊंगा तो कितने ई पॉक्स चलेंगे यू कैन हैव एन आइडिया तो ये पहला ई पॉक अभी रन कर रहा है एंड यू कैन सी एक्चुअली कि पहले ई में अच्छा खासा टाइम लग रहा है और क्योंकि मेरे पास जो मशीन है ये मैकबुक है विच इज़ थर्टी टू जी बी रैम एम वन मैक्स है विच इज़ रियली आई वुड से पावरफुल मशीन फॉर नाउ लेकिन अगर आप खुद से इसे यूज करते हैं और आपका जी भी नहीं है सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ठीक है सो so अगर आपको मैं बताऊँ तो इस वक्त मेरे पास जो जी पी यूज हो रहा है वो सबसे हाइएस्ट आपका पाइथन यूज कर रहा है विच इज़ अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ माई टोटल जी पी यू तो ये एक ही पॉक चलेगा इट विल ट्रेन द मॉडल एंड देन इट विल शो अस लॉस एंड एक्यूरेसी एंड देन इन द सेकंड वन फॉरवर्ड एंड बैक बैक प्रॉपिगेशन की बेस पे दोबारा से ऑप्टिमाइज होगा एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी लॉस कम होगा फिर इट विल गो अगैन इट विल गो अगैन एंड देन इट विल गो अगैन सो ये प्रोसेस आपको पाँच दफ़ा होगा अगर ज़्यादा ई पॉक्स चलाते हैं सो वी कैन हैव अ फंक्शन और जिसकी वजह से यही प्रोसेस आपको अच्छा खासा जो है वो एक्यूरेसी भी दे सकता है एंड इट कैन वर्क ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग एज वेल जो चीजें इसको इंप्रूव कर सकती हैं उन पर डिस्कशन करती है मीन वाइल इट्स रनिंग वह यह है कि आप देखें कि आपके पास बैलेंस का जो कॉलम है यह जीरो भी है और आपकी मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें बल्कि मैं डिस्क्राइब वाली जगह पर जाता हूं जहां पर हमने इसको डिस्क्राइब भी किया था यह है जी डिस्क्राइब का कॉलम और अगर आप गौर करें डिस्क्राइब का कॉलम ने डिस्क्राइब का फंक्शन हमने जो यूज किया था बैलेंस के अंदर मिनिमम बैलेंस जीरो और मैक्सिमम आपका बैलेंस किसी भी बंदे का पच्चीस जीरो आठ सौ अठानवे यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दे हज़ार लाख दो लाख पचास हजार आठ सौ अठानवे यूरोज़ भी हो सकते हैं क्योंकि ये यूरोप के अंदर है डेटा सेट तो यूरोस भी हो सकते हैं और डॉलर भी हो सकते हैं सो जस्ट इमेजन के बैलेंस अगर ज़ीरो से इतना है तो इसको स्केल करने की ज़रूरत है ठीक है फिर हमारे पास एस्टिमेटेड सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम ग्यारह यूरोज़ है और मैक्सिमम हमारे पास उन्नीस निन्यानवे बानवे हैं ठीक है सो वी हैव टू स्केल दिस वन एज वेल फिर हमारे पास कस्टमर आई डी जो हमने डाली नहीं है सो इट डजेंट मेक एनी प्रॉब्लम हमें कम अज कम इन दो चीज़ों को स्केल करना जरूरी है ठीक है द टाइम इट विल गेट देन विल बी रिड्यूस्ड पहली चीज तो ये और सेकेंडली जो आपकी एक्यूरेसी है वो और भी इम्प्रूव करेगी सो स्केलिंग कैन एक्चुअली इंक्रीज द पावर ऑफ कंपटिशन एंड ऑल्सो इट कैन हेल्प यू टू गेट मोर एक यहां तक आपको समझ आ गई कि इस इस पूरे मॉडल के अंदर हम क्या कर रहे हैं यहाँ तक समझ आ गई अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया मीन वाइल एवरीथिंग इज़ वर्किंग सो प्लीज़ डू इट क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट और इसका पूरे का पूरा कोड जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मीन वाइल हम देखते हैं कि हमज़ा ने जो है वो क्या काम किया है इस पर ताकि हम एक अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के कोड् हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं सो so, ये इन्होंने एक्सीबूस क्लासीफायर भी यूज़ किया है डेटा सेट लोड किया लोड करने के बाद नल वैल्यूज़ तो हैंंग को ही नहीं है तो इस पर हम बहस नहीं करते यहाँ से इन्होंने इन कर ली ठीक है ये इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया इन्होंने सेम मेरा कोड कॉपी किया ये मैंने छोटी सी यहाँ पे की छोड़ी थी कि अगर कोई बंदा यहाँ पे हिडन लेयर को फोर नहीं करता जो आज मैंने भी किया इट मीन्स कि उन्होंने मेरा कोड कॉपी किया बट इट्स फाइन अगर आपने कॉपी भी किया है पेशेंस आपने फिफ्टीन का रखा है वही सारी की सारी की चीज़ें हैं एंड देन यू रन दिस एंड एट दी एंड यू कैन सी कि यहाँ पे छब्बीस सेकेंड छः मिनट छः मिली सेकेंड लगे हैं एक ई को रन करने में सो so, ये इतना इतना टाइम लगता है एक ई को रन करने में एंड आई डोंट नो इन्होंने अगर सैम्पलिंग की है डेटा की बट द ई पॉक्स आर नॉट इनफ क्योंकि स्टार्ट से ही आपकी वैलिडेशन की जो एक्यूरेसी है वैलिडेशन लॉस है वो स्टार्ट से ज़ीरो है और यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी स्टार्ट में ही हाई है तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द वैलिडेशन डेटा सो वी हैव टू चेक दैट अगर मेरे पास भी ये इशू आता है देन वी विल सी कि वैलिडेशन डेटा में क्या प्रॉब्लम है ठीक है और लेट्स सी अनदर थिंग फिर उन्होंने एक्सजी बूस्ट बूस को यूज़ किया जिनसे इनकी एक्यूरेसी आई है पॉइंट एट सिक्स क्योंकि ना तो आउटलायर्स को डील करने की जरूरत है वहाँ पे ना तो स्केल करने की सो so, ये आपकी बेसिकली डायरेक्ट आपके पास डेटा आ गया है एक्सजी बूस की बेस पे सो दीज थ्री थिंग्स कैन एक्चुअली गिव दिस कोड कैन गिव यू एन एक्सजी बूस्ट क्लासीफायर की बेस पे डेटा और आप इसको यूज़ करके अपने पास जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह वो लगा सकते हैं फिर हमारे पास असीफ भाई की एक नोटबुक आई है विच आई कैन हैव अ लुक इन टू ये हेड का डेटा सेट कर लिया इन्होंने ट्रेनिंग टेस्टिंग इन्फो कर ली मीन वाइल हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है सो पीपल हैव सेंड मी दिस बुक दिस दिज नोट बुक्स सो उनकी बेस पे हम देख लेते हैं एग्जिटेड आ गया और यहाँ पे इन्होंने भी इन कोड किया सिमिलर मेथड को इन्होंने भी सेम कोड कॉपी किया सो so, यार कम अज़ कम चेंज तो कर लो ना देखो अभी काम कर रहे हो आप लोग दैट्स फाइन लेकिन चेंज कर लिया करो चीज़ों को इट इट मेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रन दिस नोटबुक्स लेकिन कॉपी पेस्ट ना करें इनको चेंज भी करें कमेंट्स कम अज़ कम एक दफ़ा पढ़ लें तो यहाँ पे आपने भी इसको ड्रा किया आपका भी वही मसला आया मेरे पास भी सेम आएगा एंड देन वी विल सी कैसे इम्प्रूव करना है आपने भी बीस ई पॉक्स चलाएं विच नहीं आपने पच्चीस चलाए होंगे आई थिंक सो यस पच्चीस सो वी विल सी दैट एंड यहाँ पे रेंडम फॉरेस्ट आपने लगाया दैट्स गुड रेंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी आपकी आई छियासी और यहाँ पे भी छियासी है कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है एटी सिक्स प्रोसीजन आपके पास है जनाब पॉइंट एट टू और पॉइंट एट सिक्स तो अगर हम देखें तो पॉइंट एट एट एंड पॉइंट सेवन फाइव इस बेस पे आ रही है आपकी प्रोसीजन रिकॉल आपका आ रहा है पॉइंट नाइन फाइव पॉइंट फाइव फोर यहाँ पर है जी पॉइंट एट सिक्स दैट्स फाइन एफ वन स्कोर भी आपका ठीक है सो इट मीन्स के एक्सि बूस क्लासीफायर इसको अच्छे तरीके से क्लासीफाई कर रहा है एक मसला जो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का वो ये है कि अगर आप गौर करें बारह सौ त्रेसठ वैल्यूज जो हैं वो मिस क्लासीफाई हैं और बत्तीस सौ तैतीस यहाँ पर मिसक्लासीफाइड है सो यू नीड टू इम्प्रूव द एकोरेसी बेस्ड ऑन द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्योंकि ये एक सौ पैंसठ हज़ार चीज़ों का डेटा है देन यू कैन हैव एन आइडिया कि ये हमारे पास सब कुछ इस तरीके से आ रहा है बट आई मीन एक्स बूस्ट अगर आपके पास अच्छा काम करता है दैट्स गुड अगर नहीं करता देन यू हैव टू चेक दैट आपके पास इसकी जो एक्यूरेसी आई है यू नीड टू प्रिंट दैट जो एक्यूरेसी मुझे नज़र आ रही है इनकी यहाँ पे बीस ई पॉक्स के बाद इट्स पॉइंट सेवन एट विच इज़ फार लेस दैन एक्स बूस्ट और इस नॉर्मल के आप न्यूरल नेटवर्क के थ्रू इतनी एक्यूरेसी नहीं ले सकते आपको बहुत हैवी काम करना पड़ता है बट लेट्स सी मेरे पास जो है वो नोटबुक बन चुकी है और आप देखें कि मेरे पास जो एक्यूरेसी है इट्स टोटली डिफरेंट और मैंने पांच ई पॉक्स चलाएं हैं एन आई कैन हैव अ लुक और ये मेरे पास इस तरीके से डेटा आ रहा है अब मैंने क्या करना है मैंने सिंपली यहाँ पे एक है चौंसठ है और डायरेक्टली मैं आठ पे जाऊँगा और मैं इसको कम कम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क नहीं बनाना चाहता मैं इसको बड़ा सिंपल सा रखना चाहता हूँ एक हिडन लेयर और बाकी मेरे पास एक आउटपुट लेयर एक इनपुट लेयर मैं अब इसको सभी को दोबारा से रन करता हूँ शुरू से एंड तक और रन करके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सीन आता है अब इसके ई पॉक्स जो हैं वो होप फुली ज़्यादा स्पीड से चलेंगे और देन वी कैन हैव एन आइडिया कि हमारी जो कर्व्स हैं वो कैसी आ रही हैं ऑन एक्यूरेसी हमारे पास कैसी इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्ले विद द डेटा सेट ठीक है और uh, मैं ये जो हमज़ा का डेटा है हमज़ा ने जिस पर काम किया है आई कैन कॉपी दैट कोड ये वाला जो है एक्स जी का और इसको मैं अपनी नोटबुक के नीचे जो है आपको पेस्ट करके दे देता हूँ इफ़ आई कैन डू दैट लेट मी सी इसके बाद ऐड कोड करते हैं यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और ये आपके लिए यहाँ पे यह कोड हो जाएगा एक्स जी बी फायर सो आप इसको देख सकते हैं और From sklearn dot matrix import ये वाले मैट्रिक्स एंड एट द एंड यू कैन हैव एन x एक्स ट्रेन वाई ट्रेन x एक्ससी boost फिट करेगा और आपके पास test की बेस पे prediction की बेस पे, ये accuracy स्कोर वगैरह यहाँ पे दे देगा ठीक है यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ आपने यहाँ पे क्या करना है प्लॉट द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ठीक है, सो ये हमारे पास प्लॉट हो जाएगा plt. dot, टी डॉट okay, ओके so, सो इसके बाद हम एक्सिबूज को भी करेंगे बट वी कैन हैव एन idea कि ये जनाबे वाला दो ई 50 पचास और इक्यावन सेकंड के ऊपर चले हैं. एक हजार रोज़ का डेटा है सो इट्स अ बिग बिग डेटा सेट अगर आप इस पर काम कर रहे हैं सो बिलीव मी इट्स गोना एक्चुअली शाइन योर पोर्टफोलियो अगर आप इस पर काम कर रहे हैं अगर आप इस पर काम नहीं कर रहे और आप एक सिंपल डेटा सेट पर काम कर रहे हैं सो बिलीव मी दैट डज मेक योर पोर्टफोलियो वेरी गुड क्योंकि एक सौ पैंसठ हज़ार रोज़ के साथ डील करना और उसको समझना स्ट्रेटजी वही है अगर आप गौर करें कल टाइटेनिक के डेटा सेट पर भी हमने सेम स्ट्रेटजी यूज़ की थी यहाँ पर भी कर रहे हैं बट एट दी एंड इट should look, uh, i would say different than normal data set So अब मैं इनको train तो कर रहा हूँ और अगर आप check करें 65 64 ये 64 accuracy 65 से नीचे आ रही है So that happens most of the times as well. और अगर, अगर आप गौर करें तो उन्नीस अड़तालीस से बानवे सताईस हो गया और यहाँ पे लॉस आपका जो है वो बढ़ता जा रहा है सो सीम्स लाइक आपके पास जो एक और लॉस है वैलिडेशन एक और वैलीडेशन लॉस है इट्स एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग lot. और इसके फ्लक्चुएट करने के रीजन्स कई हो सकती हैं पहली चीज़ ये हो सकती है कि आपका जो बेसिक डेटा सेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है सेकेंड आपके फ़ीचर की स्केलिंग होना ज़रूरी है थर्ड देर आर मैनी थिंग्स विच यू हैव टू डू एंड देन दिस वुड लुक प्रोफेशनल यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन हो रही है वो नहीं होगी फिर ठीक है सो so, आप ये एक असाइनमेंट भी ले सकते हैं हाउ यू कैन चेक कि आपके जो कर्व्स हैं वो फ्लक्चुएट क्यों कर रही हैं यहाँ पे आप देखें ये इनकी बिल्कुल फ्लैट कर्व्स आ रही हैं ठीक है ये वाली जो वैलिडेशन की है और हमारे पास थोड़ी सी फ्लक्चुएटेड थी इस वजह से वी ट्राइड अगैन और अब हम देखते हैं कि हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव करती है कि नहीं करती राइट ओके right? okay. सो आप मल्टीपल मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं बहरहाल सिंपल न्यूरल नेटवर्क जो है वो यूज़ करने से बेहतर होता है आप रैंडम फ्रेस या बूस्ट यूज़ करें रीज़न ये है मैं भी आपको यही समझाने वाला हूँ क्योंकि ये पाँच ई पॉक्स हमने चलाने हैं पाँच ई पॉक्स के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा मॉडल डिफरेंट वे में काम करेगा ये पाँच ई पॉक्स रन कर चुके हैं अब हमारे पास प्लॉट्स बनेंगे मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा करूँ ये बने जी हमारे पास प्लॉट्स और आप चेक करें यहाँ पे कितने हमारे पास रेंडमाइज्ड प्लॉट बने हैं चेक करें यहाँ पे हमारे पास जो लॉस है वो डिफरेंट वे में जा रहा है और जो एक्यूरेसी है वो बड़ी फ्लक्चुएट कर रही है वैलिडेशन के ऊपर भी और जो हमारी दूसरी एक्यूरेसी वो बिल्कुल फ्लैट है इसकी रीजंस मैंने आपको पहले भी बता दी हैं सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट हमारे पास क्योंकि डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है सो so मैं दूसरी लेयर को एक्टिवेट करके देखता हूँ कि हमारे पास दूसरी लेयर के बाद अगर डेटा सही आता है देन वी कैन हैव एन आइडिया और देन वी विल री रन दिस बट बिफोर दैट मैं यहां पे एक्सटी बूस्ट को रन करके देखता हूं कि हमारे पास डेटा के रिजल्ट कैसे आते हैं और मॉड्यूल नॉट फाउंड तो मैं यहां पे पिप इंस्टॉल एक्सटी बूस्ट पहले कर लेता हूं पिप इंस्टॉल एक्सजी बूस्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ले जनाब आप चेक करें हमारे पास एक्सडी बूस ने लगाया एक मिनट और डेटा को हमारे पास एक्यूरेटली जो है बता दिया अगर आप चेक करें तेरह सौ इक्यानवे और तीस सौ इक्कीस ये दो हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ हैं विच आर मिस क्लासीफाइड बट ऑन दी अदर साइड ये हमारे पास जीरो और वन जो है वो <coughs> डाइगनल के ऊपर सही क्लासीफाई हुई यानी कि अगर आपका डेटा सेट जो इस तरीके से क्लासीफाई हो रहा है यू कैन हैव एन आइडिया कि आपका डेटा सेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं ठीक है यहाँ तक तो हो गया लेकिन अब आपको मैं सबमिशन का एक स्टेप समझाने लगा जिसके बाद इस इस लेक्चर को और भी एडवांस लेवल पे हम ले जाएंगे वो क्या है कि हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं ना हमने एक मॉडल बना लिया मॉडल बनाने के बाद उस मॉडल को ट्रेन करने के बाद हमने प्रडिक्शन करनी होती है ठीक है और प्रडिक्श कर प्रडिक्शन करने के बाद हमने उस डेटा सेट की प्रोबिलिटी को लेके आना होता है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको प्रोडिक्शन की फ़ाइल दिखाऊँ यहाँ पर सैम्पल सबमिशन की ये हमारा सैम्पल सबमिशन है हमने आई डी हमारे पास है और एग्जिटेड हमने ले कर आना है सो अगर हम गौर करें यहाँ पर हमारे पास टेस्ट फाइल है टेस्ट के अंदर हमारे पास सरनेम है क्रेडिट स्कोर है जियोग्राफी है जेंडर एज और ये सब सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं ठीक है हमने क्या करना है अभी टेस्ट की बेस पे प्रिडिक्ट करके आईडी आईडी और उनकी प्रोबेबिलिटी यहां पे ऐड करनी है ठीक है यानी कि प्रिडिक्शन के बाद आईडी एंड प्रोबेबिलिटी को हमने ऐड करना है इन सबमिशन फाइल तो मैं अगर यहां पे लिखूं के द टेस्ट डेटा आफ्टर प्रिडिक्ट द टेस्ट डेटा एंड क्रिएट ए सबमिशन फाइल ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ईच क्लास तो हम क्या करेंगे एक्सजी बूस की बेस पे भी कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं प्रिडिक्ट प्रोबा और उसकी बेस पे हम इसको काम काम में लेके आ सकते हैं यानी कि प्रिडिक्ट प्रोबा क्या करता है एक्सजी बूस के अंदर एक बेसिक सा फंक्शन है ये बेसिकली आपकी प्रॉबेबिलिटी को प्रिडिक्ट करता है यानी कि आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं और अगर हम सबमिशन फाइल की सिर्फ एक्जिटिड को चेंज करें एट दी एंड देन इट विल क्री एट अबमिशन फाइल और उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं अपनी सबमिशन फाइल के अंदर बट समाइम्स इट विल गिव यू एन एरर क्यों क्योंकि आपके पास जो कॉमन वेरिएबल्स हैं वो इनकोडेड नहीं होते और समाइम्स वो इनकोडेड होते हैं बट वी विल सी के हमारे पास क्या एरर आती है एज आई सैड हमारे पास एरर आनी थी डेटा मस्ट बी इंटीजर फ्लोड बुलियन कैटेगरी वन कैटेगोरिकल टाइप इज सप्लाइड द एक्सपेरिमेंटल डी मैट्रिक्स पैरामीटर इनेबल कैटेगोरिकल मस्ट बी सेट टू ट्रू इन वेलिड कॉलम्स जियोग्राफी और बाकी कॉलम के लिए ये काम नहीं किया सो so, हमने क्या करना है पहले तो उनके कॉलम को कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना है एंड देन वी हैव टू सी दैट अब इसको करने के बेशुमार तरीके हैं कि आप पहले इनकोड कर लें लेबल इनकोडर को यूज़ करके एंड देन यू यूटिलाइज द पावर ऑफ लेबल इनकोडर लाइक दिस और फिर उस डेटा सेट को प्रिडिक्ट कर लें तो मैं इसको ऐसे ही करता हूँ ये मैंने किया हमारे पास सबमिशन फाइल फाइनल बन गई ये वाली सबमिशन फाइल जो है आपने उठानी है और इस सबमिशन फाइल को आपने सबमिट कर देना बिकॉज दिस गाइज नीड दिस प्रोबेबिलिटी वैल्यूज और ये प्रोबेबिलिटी अगर 0.5 से ऊपर है तो उसकी वैल्यू वन है 0.5 से कम है तो उसकी वैल्यू जीरो है सो so हमें पता है कि एक्स जी बूस की बेस पे हमारी 86 सिक्स परसेंट एक्यूरेसी है बट वी डोंट नो कि लीडर बोर्ड के ऊपर हमारी एक्यूरेसी कितनी आएगी तो so इस कोड से हमारे पास बन गई है फाइल अपनी और इस फाइल को हम कहाँ पर सबमिट करवाएंगे अगर आप यहाँ पर जाएँ यहाँ पे सबमिट के ऊपर अगर आप जाएंगे यहां पे जाने के बाद आप अपनी फाइल को यहां पे ड्रॉप करेंगे ठीक है यू हैव फाइव सबमिशन्स रिमेनिंग टूडे एक दिन में आप फाइव सबमिशन्स यहां पे सबमिट करवा सकते हैं तो मैं अगर डायरेक्टली वही फ़ाइल को जो मैंने अभी बनाई है वो उठा के यहां पे पेस्ट करना चाहूँगा आई विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हियर तो सिंपली मैं क्या करूंगा सबमिशन फाइल पर जाऊंगा जो मैंने सबमिशन बनाई है सी फाइल जो है उसको उठाऊंगा और यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा लेट मी सी इफ़ आई कैन डू दैट या ब्राउज करके लेके आना पड़ेगा सो so, मैं कोशिश करता हूँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ही करूँ बिकॉज दैट्स एन ईजी वे इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस सिक्स मंथ के कोर्स में जाके प्रोजेक्ट में जाके जीरो थ्री डेटा के अंदर नहीं सच ये सबमिशन सी एस आ गई ये मैंने फाइल को यहाँ पे पेस्ट किया एंड नाउ आई कैन राइट द डिस्क्रिप्शन वी हैव यूज एक्सची बूस्ट क्लासिफायर फॉर दिसमिशन फाइल ठीक है यहां पे मैं इसको सबमिशन फाइल को यहां से सबमिट करवा सकता हूं एंड लेट्स सी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड द फाइल हैज सबमिटेड आप यहां पे देख सकते हैं और यहां पे मैंने सिंपली ये लिखा है एंड देन आई कैन हैव अ लुक कि ये सबमिशन फाइल इस तरीके से यहाँ पे सबमिट होगी है एंड हाउ इट कैन वर्क हमारे पास जो पब्लिक स्कोर है वो पॉइंट एट एट आया है और अगर हम लीडर बोर्ड पे चेक करें तो मैक्सिमम स्कोर कितना है 0.899 ठीक है so, सो कुछ स्कोर का हमारे पास जो फर्क है बाकी बहुत ज़्यादा लोगों का पॉइंट एट नाइन आया मेरी जो है 1448 नंबर पे है मेरी फर्स्ट एंट्री अभी मैंने ट्वीक नहीं किया कुछ मैंने कोई स्केल नहीं किया 19 सेकंड पहले मैंने किया और ये कंपटीशन के अंदर मेरी वाली फाइल का 0.88 स्कोर आ गया ठीक है सो दिस इज आउ यू कैन सबमिट द फाइल मैंने एक सबमिट करवाई है मैं और भी करवा सकता हूँ और ये बेस्ड ऑन वट दिस स्कोर हैज बिन एस्टिमेटेड अब इसके ऊपर हम गुफ्तु करते हैं अभी मैंने नोटबुक सबमिट नहीं करवाई यहां तक आपको समझ आ गई कि हमने यहाँ से सबमिशन फाइल बनाई थी ये सबमिशन फाइल की जो एग्जिटेड की प्रोबेबिलिटीज है ना ये उनकी प्रोबेबिलिटी से कितनी मैच करती है उसकी बेस पे आपका स्कोर है अगर उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ 100 परसेंट मैच करे तो 100 परसेंट स्कोर आ जाएगा अगर उनकी प्रोबेबिलिटी जो उन्होंने पहले से अपने पास फाइल रखी है कम हो तो ये उसके बेस पे स्कोर होगा सो so, हमारी 88. एट पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो है उसके साथ मैच कर रही है दैट इज़ वाई आवर लीडर बोर्ड पोजिशन इज फोटीन हंड्रेड समथिंग अगर ये मैं नाइन्टी तक ले जाऊँ ना इस एक को ये वाली फाइल के स्कोर को नाइन्टी तक ले जाऊँ तो इसका मतलब ये हुआ आई हैव टू डू समथिंग इन माई डेटा ऑगमेंटेशन टेक्निक्स कि ये जो स्कोर है मेरे पास विच इज़ एटी सिक्स सिक्स परसेंट या एटी सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट और ये सारे एटी सिक्स सिक्स के रिलेटेड हैं ये अगर नाइन्टी पे चले जाए ना तो मेरी एक्यूरेसी या लीडर बोर्ड पर स्कोर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा सो माई मेन एम इज़ टू इंक्रीज दिस एक्यूरेसी वो कैसे होगी वो होगी ट्रेन टेस्ट सब्लिट को यूज़ करके या क्रॉस वैलिडेशन के मेथड को यूज़ करके ग्रिड सर्ट सी को यूज़ करके या एक्सटीबूस को यूज़ करके या मल्टीपल ट्रेनिंग के मॉडल्स को यूज़ करके वट एवर आई डू इट डजेंट मैटर कि मैं न्यूरल नेटवर्क यूज़ करता हूँ या इट डजेंट मैटर मैं कौन सा मैथड यूज़ करता हूँ टू क्लासीफाई दीज ऑब्जेक्ट्स ठीक है एंड एट दी एंड आई हैव टू एक्चुअली क्रिएट अ फाइल विच शुड हैव मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ द स्कोर ठीक है या नाइन पॉइंट नाइन नाइन समथिंग स्कोर तो इसलिए मैं क्या करूंगा आप मैं ये न्यूरल नेटवर्क को ये दूसरी लेयर को भी एक्टिवेट करके रन करूंगा एंड देन आई विल ऐड इन स्टेड ऑफ फाइव मैं यहाँ पे हंड्रेड ई चलाने वाला हूँ मैं इसको सेव करके पहले पहले आपको दे दूँ मैं यहाँ पे इसको पहले कमिट कर दूँ सो so इस पर मैं लिखता हूँ बैंक चर्न डेटा सेट मैं इसे कमिट करता हूँ आपके पास ये फाइल ऑनलाइन आ चुकी होगी गिटाप की रेपोजिटरी के ऊपर तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया अगर नहीं आई तो इसको आप पे देख लें डेटा भी मैंने अपलोड कर दिया अगर डेटा आपके पास नहीं है सो यू कैन हैव अ लुक जी तो आप लोग चेक करके मुझे बताइएगा अगर आपके पास ये फाइल आ चुकी है ओबियसली जी यहाँ से मेरे पास से वो कमिट होगी या सिंक भी होगी होपफुली यस इट्स ऑलरेडी डन सो आप ऑनलाइन इस फाइल को देख सकते हैं आप इसी कोड को चला के मेरी तरफ से मेरे वाली सबमिशन फाइल भी अपलोड करते रहे लेकिन इट इट वॉन्ट मेक एनी सेंस क्योंकि एटी नाइन तो सभी का आया हुआ है से स्कोर सो यू हैव टू नाउ स्केल एंड यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स टू एक्चुअली अपलोड दिस फाइल मैं यहाँ से अब क्या करूँगा मैं अपना न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करूँगा ट्रेन करने पर लगा के खुद अपने काम वाम कर लूँगा ताकि ये जितनी देर में ट्रेन होना हो जाए एंड then विल कम बैक टू दिस और हम जा दोबारा देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क पे किस किस्म की हमारे पास जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ एंड नाउ इट्स टेकिंग हंड्रेड ई पॉक्स तो अगर एक को अच्छा खासा टाइम लगता है तो हंड्रेड को कितना लगेगा यू कैन हैव एन अ गुड आइडिया इसको अगर मैं रोकूँ यहाँ पर रोकने के बाद बजाय इसके कि मैं यहाँ पर एक सौ अट्ठाईस लिखूँ मैं चौंसठ यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बत्तीस यहाँ पे कर देते हैं सोलह और यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी ऐड कर देते हैं ताकि बाकियों को भी पता लगे टाइम कंट्रोल एंटर बल्कि नॉट नाइट नाउ सबसे ऊपर वालों को दोबारा से रन करते हैं और अब आपकी नोटबुक जितनी अच्छी बनी होगी ना उतना ज़्यादा फ़ायदा है आपने करना क्या है जब भी नोटबुक को अपलोड करना है उनके अगल आपने मुझे एज एडिटर एज एन एडिटर उसमें ऐड कर देना ताकि अगर कोई चेंजेस हो दैन आई कैन एक्चुअली सजेस्ट यू फर देयर टाइम्स लोग एडिट नहीं करते एडिटर एज एन एडिटर तो इट्स फाइन नो प्रॉब्लम आपको जैसा दिल करता है वैसे इसे अपलोड कर सकते हैं ठीक है तो ये नोटबुक मेरी रेडी हो रही है आई विल वर्क ऑन दिस मैं इस पर और भी काम करूंगा लेकिन आपके लिए यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो ये है कि इफ़ यू वर्क अ लिटल बिट हार्डर दैन नॉर्मल पीपल तो आप इस कम्पिटिशन में ऊपर आ सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली शो दिस प्रोजेक्ट इन योर पोर्टफोलियो के मैंने बैंक चर्न एनालिसिस किया था एंड इट वर्कड ऑन वन सिक्सटी फाइव थाउजेंड कस्टमर्स डेटा फ्राम यूरोप समझ रहे हैं बात को मतलब फ्रांस जर्मनी एंड तीसरा जो कंट्री था उसकी बेस पे स्पेन फ्रांस जर्मनी एंड स्पेन मतलब यूरोपियन डेटा के ऊपर आपने काम किया जस्ट इमेजिन मजा तो आएगा ना इन चीज़ों का दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली मेक योर पोर्टफोलियो यहाँ तक अगर आपको समझ आ रही है Please go ahead like share and subscribe this video and uh, let's see you in another lecture